हाउ टू क्रिएट पेजेस फॉर ब्लॉगर। अगर आप लोग ब्लॉगर के ऊपर पेजेस क्रिएट करना चाहते हो, आपको नहीं आते, अपनी वेबसाइट के पेजेस बनाना चाहते हो, आपको नहीं आते, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक आप अपने पेजेस नहीं बनाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पेजेस होते हैं, अगर आप लोग वो पेजेस नहीं बनाते तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में काफी डिफिकल्टीज पेश आती है। अगर आप चाहते हो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। वो कैसे करना है, उनमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपने पेजेस बनाने होते हैं। पेजेस बनाने का तरीका इस वीडियो में आपको बताया, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप लोग पेजेस बना सकते हो, ठीक है। पेजेस बनाने हैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक आ सके और आप उनसे फायदा उठा सके। जल्दी से भाई के 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा। यार पेजेस बनाने के लिए आप लोगों ने आ जाना अपने ब्लॉग पे। देखिए हमारा ब्लॉग बिल्कुल न्यू है, यहाँ पे अभी तक कोई एक सिंगल पोस्ट भी अवेलेबल नहीं है। अगर व्यू ब्लॉग पे जाते हैं तो आपको एकदम ये खाली ब्लॉग देखने को मिल रहा है। तो हमने पेजेस अब कैसे क्रिएट करने हैं, देखो पोस्ट के नीचे थोड़ा सा आओगे, अर्निंग के नीचे लेआउट के ऊपर आपको पेजेस मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला न्यू पेज का, क्रिएट न्यू पेज, यहाँ पे प्रेस कर दो। अब देखो सबसे पहले जो हमने पेज बनाना है वो हमने बनाना है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने खुद से लिखने नहीं बैठ जाना मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे बनाना है। गूगल पे आ जाना है, यहाँ आके लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इतना टाइप करोगे देखो ऊपर ये ऐड है, ऐड को क्लिक नहीं करना आपने, नीचे आ जाना देखो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर ये साइट है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंटर योर कंपनी नेम, अपनी कंपनी नेम यानी साइट का नेम लिखो, जैसा कि हमारा नेम है गेमिंग्स टिप, ठीक है, इतना हमने टाइप कर दिया। एंटर योर वेबसाइट नेम, सेम नेम यहाँ भी टाइप कर दिया, वेबसाइट का URL अपना यहाँ से लेके वेबसाइट URL पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट के बटन में प्रेस कर दो, नेक्स्ट पे प्रेस करोगे यहाँ पे डू यू हैव कुकीज ऑन योर वेबसाइट, यस, डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, यहाँ पे इसे भी अलो कर दो, गूगल एडसेंस हमने अप्रूवल लेना है। नीचे लास्ट वाले को हमने यहाँ पे नो करना है क्योंकि हम गूगल एडसेंस ही लेने वाले हैं, कोई और साइट नहीं। देन नेक्स्ट के बटन में प्रेस करो, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बाद देखो स्टेट के कौन सी स्टेट में आप रह रहे हो, तो मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब का रहो। देन आपने यहाँ पे अपना कोई भी एक ईमेल लगा देना, कोई स्पेयर भी लगा दो, कोई इशू वाली बात नहीं। ईमेल लगाने के बाद देखो जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के बटन पे आपने प्रेस करना है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद देखो इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, गो टेस्ट टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे प्रेस करना, ऊपर वाले टेस्ट को नहीं लेना, नीचे वाले को लेना है इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड किया, उसके बाद आगे किसी भी नोटपैड के ऊपर, नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे इस टेस्ट को किया कॉपी, अगेन इसे किया, यहाँ से सिलेक्ट और कर लिया, अगेन कॉपी, ठीक है, यहाँ पेस्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। अब आपने जाके लगाना है अपने पेज के अंदर, यहाँ पे पेज के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मेन हेडिंग के, यहाँ पे मेन एरिया के अंदर जहाँ आपका टेस्ट होगा। हाँ आने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे पेस्टिंग करना, एडिट का बटन है, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये HTML टैग था तो हमने यहाँ पे आके इसे कर दिया पेस्ट। देन अगेन यहाँ पे आके कंपोज व्यू के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो अब साइट्स के लिंक जो आ रहे हैं इसी साइट के जहाँ से हमने जनरेट किया, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये लिंक है तो इसे खत्म कर दो। देन अगेन नीचे देखो जहाँ जहाँ पे लिंक है उसे यहाँ से रिमूव करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आके अपना टाइप कर दो पेज का नेम, ठीक है, अपने ब्लॉग का नेम गेमिंग्स टिप, ठीक है, ये यहाँ पे टाइप करके पेज के बटन में प्रेस करो, कंफर्म के बटन में प्रेस करो। बाकी सेटिंग हमने पहले से कर रखी है, जैसा कि मैंने पहली सेटिंग्स वाली वीडियो में आपको दिखाया। अब न्यू पेज पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद दूसरा पेज हमारा होगा यहाँ पे डिस्क्लेमर। देन आप लोगों ने आ जाना है अगेन गूगल के ऊपर, गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है डिस्क्लेमर जनरेटर, ये करोगे सेम साइट आएगी, वहाँ पे चले जाओ डिस्क्लेमर जनरेटर पे, यहाँ पे आपका डेटा पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करते जाओगे डेटा आता जाएगा। नेक्स्ट पे प्रेस करो, अगेन यहाँ पे अपनी कंट्री ऐड करो, कंफर्म के बटन में प्रेस किया तो आपके 2 पेजेस बन गए। अब यहाँ पे थर्ड पेज हमने कौन सा बनाना है, अबाउट का, ठीक है, न्यू पेज के बटन में प्रेस किया और यहाँ पे आके टाइप कर दिया अबाउट अस। अबाउट अस में आपने क्या टाइप करना है, देखो आपने सेटिंग्स के अंदर आ जाना है अपने ब्लॉग की सेटिंग्स,
यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन को कर लो कॉपी, और यहाँ पे पेजेस के अंदर आके अबाउट अस का जो पेज बना रहे हो यहाँ पे आके से कर दो पेस्ट, देन कर दो पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने से पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ भी आपने फिर से गेमिंग्स टिप लिखना है, अपनी साइट का नेम लिखना है, यानी कि पब्लिश कर दो अबाउट अस में, इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये आपने अबाउट अस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तीन पेजेस बन गया। अब लास्ट वाला पेज है वो कौन सा है, वो यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, वो आपने कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है अपने गूगल के ऊपर ब्राउजर पे, यहाँ पे ये देखो गूगल ऐप से यहाँ पे आ जाओ, देन स्क्रोल डाउन करो थोड़ा सा और यहाँ पे आपको डॉक्स देखने को मिलता है। डॉक्स के अंदर आ जाओ, डॉक्स में आओगे यहाँ पे देखो क्रॉस करो इसे और यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फॉर्म्स का बटन है, फॉर्म्स पे आ जाओ। फॉर्म्स पे आने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, अगर खुद से जनरेट करना खुद कर लो, इसे एडिट करना चाहो तो इसे एडिट भी कर लो, अदरवाइज मैं इसे ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ तो आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। देन आप लोगों ने देखो क्या काम करना है, सेंड के बटन पर प्रेस करना है, यहाँ पर ये वाला लिंक आ रहा है, चाहे इस लिंक को यूज़ कर लो चाहे इस एम्बेड लिंक को यूज़ कर लो। हम एम्बेडेड लिंक को यूज़ करने वाले, इसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गए पेज के अंदर, यहाँ अगेन गए HTML व्यू में और यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट और गेन कर दिया इसे कंपोज व्यू। कंपोज व्यू करोगे इस तरह से शो होगा, यहाँ पे आपको पेज नहीं शो होगा, अभी दिखाता हूँ क्या करना। यहाँ गेमिंग टिप, अपने ब्लॉग का नेम पब्लिश, कंफर्म के बटन पे प्रेस किया। अब देखो आपके चार के चार पेजेस बन गए। अब ये पेजेस कैसे देखने को मिल रहे हैं देखो मैं आपको इन्हें ओपन न्यू टैब में करके दिखा देता हूँ। अब ये पेजेस हमारे आ चुके हैं, इस तरह से आपको ये पेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके आप अपना डेटा, किसी ने अगर कॉन्टैक्ट आपसे करना हो यहाँ पे आकर अपना डेटा एंटर करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस का पेज है ये, उसके बाद डिस्क्लेमर का ये पेज है। अभी हमारा ब्लॉग सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसे हमने प्रो लेवल पर लेके जाना है। अभी आपने कोर्स देखते रहना, जैसे ही कोर्स खत्म होगा प्रो लेवल पे आप पहुंच जाओगे। देखो पूरे के पूरे पेजेस मैंने आपको बनाने सिखा दिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको दिखाया गया कि पेजेस आपने कैसे क्रिएट करने हैं। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी, आपने सीख लिया ब्लॉगर पे पेजेस कैसे बनाते हैं। अगर आपने सीख लिया नीचे कमेंट्स करके बताना जी हमें समझ आ गई है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का URL वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करना चाहो वहाँ भी कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।